हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और आज हम आपके लिए क्या आए हैं, आर्मी भर्ती से रिलेटेड एक नया अपडेट। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट रैली थ्रू यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा। और ये जो रैली है ये देख सकते हैं आप, एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन रिलेटेड ये भर्ती है। और साथ ही इसमें जो ओपन कैटेगरी के लिए है वो आप ये देख सकते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होगा वो इसमें भाग ले सकता है। और ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया से आप इसमें जा सकते हैं भर्ती के लिए। और आपको भर्ती के लिए जाना कहाँ है ये भी हम बता देते हैं इसमें। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रैली अगेंस्ट यूनिट हेडक्वार्टर कोटा फॉर वार्ड्स फॉर वार्ड विडो, ये आप देख सकते हैं। एक सर्विस मैन और जो अभी सर्विस में होंगे उनके बच्चे इस में भर्ती में जा सकते हैं। तो आपको जाना कहाँ है ये आप देख सकते हैं, 3 EME बैरागढ़ भोपाल MP में आपको जाना है। और 17 जून 2019 से 28 जुलाई 2019 तक ये भर्ती है। और इसमें कोई भी जा सकता है, सर्विसमैन या सर्विसमैन जो शहीद होंगे उनके बच्चे या कोई भी इसमें जा सकता है, एक्स सर्विसमैन सर्विसमैन के बच्चे रिलेशन में ये भर्ती है। और कैटेगरी आप ये देख सकते हैं, कैटेगरी इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर क्लर्क। और ओपन कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन के लिए है ये, GD के लिए। और इसमें जो एज आप देख सकते हैं, 17.5 से 21 साल की एज है इसमें। और एनी स्टेट इसमें कोई भी भर्ती में जा सकता है। और 10वीं पास केवल इसमें आपकी योग्यता है मांग रखी, मैट्रिक पास होना चाहिए और 45% नंबर केवल आपके होने चाहिए और 33% पर सब्जेक्ट में आपके नंबर होने चाहिए। किसी भी स्टेट से आप हों आप इसमें जा सकते हैं। और आप स्पोर्ट्समैन में किन किन कौन कौन इसमें जा सकता है, तो रेसलिंग आप अगर करते हो तो आप जा सकते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो तो जा सकते हो, आर्चरी इसमें अगर आप करते हो तो आर्चरी वाले जा सकते हैं, और बास्केटबॉल वाले जा सकते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 17 जून 2019 तक उसकी जो डेट होनी चाहिए वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 17 जून 2019 तक। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोल्जर GD की। तो 10वीं पास और 45% नंबर के साथ में आपका टेंथ का होना चाहिए आपके पास। और इसमें आप देख सकते हैं 33% नंबर आपके होने चाहिए और एज भी इसमें वही है, 17.5 से 21। और सोल्जर टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं 17.5 से 23 साल इसमें एज है और 10+2 भी चलेगा आपका। और साइंस के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के साथ में आपका 50% नंबर आपके होने चाहिए और 40% नंबर पर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, ये सोल्जर टेक्निकल के लिए। सोल्जर ट्रेडमैन के लिए आप देख सकते हैं केवल 10वीं पास, सिंपल 10वीं पास आपका होना चाहिए वो भी चलेगा। एज आप देख सकते हैं 17.5 से 23 वर्ष है। और एनी स्टेट आप देख सकते हैं ओपन भर्ती है, बिल्कुल कोई भी किसी भी राज्य का इसमें जा सकता है रिलेशन वाला। और 33% नंबर आपके होने चाहिए बस, और 10वीं पास जो है सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए आप देख सकते हैं 10+2 मांग रखा है और एज देख सकते हैं आप 17.5 से 23 वर्ष, एनी स्टेट कोई भी स्टेट का इसमें जा सकता है रिलेशन वाला। और 50% आपके नंबर होने चाहिए किसमें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इसमें भर्ती में जाने कैसा है तो ये बता देते हैं आपको। तो आपको इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई ऑनलाइन joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आपको नहीं जाना, आपको सीधे आपको कहाँ जाना है ये मैंने आपको बताया था, 3 EME सेंटर बैरागढ़ भोपाल MP आपको जाना है। 17 जून 2019 से भर्ती शुरू हो जाएगी, आपको सीधे यहाँ जाना है। आपको इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको इसके लिए कुछ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना, आपको सीधे यहाँ जाना है। दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए और आर्मी से जुड़े हुए खबरों के लिए और नौकरियों से जुड़े हुए खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस भर्ती से जुड़ी हुई हर जानकारी का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की अन्य जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।